अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था, कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। अपने कंफ्यूज्ड बयानों से ट्रोल होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी एक बार फिर ट्रोलर्स का शिकार बन गए। राजस्थान के झुंझुनू में एक चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे राहुल गांधी की जुबान फिसल गई और फिर जनाब सोशल मीडिया पर ट्रोल हो गए। दरअसल राहुल गांधी अपनी रैली में कुंभाराम लिफ्ट परियोजना का जिक्र कर रहे थे, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी राहुल कंफ्यूज हो गए और कुंभाराम को कुंभकर्ण बोल गए। हालांकि पार्टी सदस्यों के टोकने पर उन्होंने अपनी गलती को उसी वक्त सुधार लिया, लेकिन अपनी पार्टी का मजाक बनने से नहीं रोक सके। अशोक गहलोत जी ने यहां पे कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था। कुंभाराम लिफ्ट योजना का पैसा दिया था 955 करोड़ रुपए। राहुल के इस बयान ने बीजेपी को फिर एक बार उनका मजाक बनाने का मौका दे दिया। पीएम मोदी ने राहुल के इस बयान पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष अपने पार्टी के नेताओं के नामों को भी नहीं जानते हैं। उन्हें कांग्रेस में एक बहुत लोकप्रिय किसान और जाट नेता का नाम कुंभराम जी को कुंभकर्ण कहा। आप कल्पना कर सकते हैं कि सत्ता में आने के बाद ऐसे लोग क्या करेंगे। वही केंद्रीय रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने भी राहुल की चुटकी लेते हुए ट्वीट किया कि कुंभकर्ण तो 6 महीने ही सोता था, लेकिन कांग्रेस पिछले 60 सालों से सोती रही है और देश को विकास से इतने वर्षों तक वंचित रखा है। वही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी ट्वीट करते हुए लिखा, 70 सालों तक जो कुंभकर्ण नहीं जग सका उसे लिफ्ट परियोजना क्या जगाएगी। गौरतलब है कि राहुल गांधी कई बार ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार उन्हें सोशल मीडिया में ट्रोल किया गया है, कई बार उनके बयानों के चलते कांग्रेस पार्टी का मजाक बनाया गया है। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में भी राहुल ने एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान का नाम पनामा पेपर लीक मामले में शामिल बताया था और बाद में खुद ही राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने कंफ्यूज होकर कार्तिकेय का नाम ले लिया। कुंभकर्ण लिफ्ट योजना का पैसा दिया था।